क्या आप जानते हैं माइनक्राफ्ट में कितने तरह की मिस्ट्रीज है अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। कुछ लोगों के लिए ये बस एक ब्लॉक वाला गेम है, बस ये लोग एंजॉय करना पसंद करते हैं। लेकिन शायद उस लोगों की किस्मत अलग तरीके से ही लिखी होती है। और गाइस, मेरे नाम है राइजो गेमिंग और इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, और अभी चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। स्टोरी ऑफ कारो, ये कहानी है बहुत ही स्वीट और प्यारी बच्ची कसंड्रा की, जो बहुत समय से माइनक्राफ्ट को खेलना पसंद करती थी। लेकिन एक दिन माइनक्राफ्ट खेलने के लिए उनका पीसी वन किया। कसंड्रा की माइनक्राफ्ट में इंडर ड्रैगन को मारने का ही बहुत ही बड़ा सपना था, और फाइनली वो माइनक्राफ्ट खेलने के बहुत दिनों बाद इंडन ड्रैगन के पास चला गया। लेकिन जैसे कि कैसेंड्रा की इंडन ड्रैगन से फास्ट फाइट था और फास्ट ट्राई में मर गई, और तभी उसके सामने रिस्पॉन हुआ ऑप्शन आया जिससे वो वापस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में स्पॉन हो सकता था। जैसे ही वो रिस्पॉन वाला बटन पे क्लिक किया, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका गेम जो है वो फ्रीज हो गया है या लैग कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कैसेंड्रा एक अजीब जगह पर फंसने वाली थी। इसका अंदाजा कैसेंड्रा क्या आपको क्या हमें भी नहीं पता थी। उसने काफी बार ट्राई किया, लेकिन एक बार उसका वो वर्ल्ड आ गया फिर से और वो फिर से रिस्पॉन हो गया। लेकिन उसके उस इंडर ड्रैगन का पास उसको जाना था, उसके लिए वो उसके अंदर घुसने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बार बार उसे ढकेल दे के बाहर में दे रहा था, और उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रही थी कि अभी क्या हो रही है और उसके साथ क्या होने वाली है। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद कैसेंड्रा फ्रस्ट्रेट हो गई और उस से क्विट करने का सोच रही थी। देन उसने अपना पीसी रिस्टार्ट किया, और उसका पीसी रिस्टार्ट होने के बाद भी उसका माइनक्राफ्ट गेम ओसी और ओसी ही थी, ओपन था, और उसका करेक्टर जैसी थी ओसी ही रही थी, और उसे चल भी नहीं सकती थी। कैसेंड्रा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसका गेम नहीं चल रहा था। कैसेंड्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रही है। तब कैसेंड्रा ने एक डिसीजन लिया कि उसका माइनक्राफ्ट गेम अनइंस्टॉल करने के लिए, और तब से वो माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ दिया। तो गाइस, आज की स्टोरी सिर्फ इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक और एक हॉरर स्टोरी लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, आप लोग चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।